देखिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी इस समय की आपकी जरूरी खबर सामने आ रही है। अगर आपके पास भी अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्द से जल्द इसको बनवा लें, क्योंकि अब अगर आधार कार्ड पर आपको अपना नाम चेंज करवाना है या फिर अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है तो इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। UIDAI ने नए नियमों में बदलाव किया है, वो क्या नए नियम है जो बदलाव करके लाए गए हैं। अभी दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि अब बिना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के आप लोग अपने आधार कार्ड में अपना नाम या अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवा पाएंगे। इसी के साथ अब अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं, अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा, साथ ही आपकी हायर स्कूल की मार्कशीट इसमें जरूरी होगी। अभी मैं आपको ये बता दूं, दरअसल अब ये जो है वो बदलाव से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बने हैं या फिर उनके पास जो है वो मार्कशीट नहीं है हाई स्कूल से, तो लोगों को इसके चलते मुश्किल आ रही है। पर UIDAI ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अगर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो ये दो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें से पहला आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है और दूसरा आपका हाई स्कूल की मार्कशीट है। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि बताया गया है डेट ऑफ बर्थ में अभी ये दो चीजें जरूरी है। अगर अभी इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर आप अपना पूरा नाम चेंज करवाते हैं तो इसके लिए आपको इंडिया गवर्नमेंट की गजट प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा, और साथ ही साथ अभी तक जो है वो किसी भी प्रधान लेजिस्ट्रेटर की बात की जाए या PCS की बात की जाए तो इन अधिकारियों से आप लोग सर्टिफाइड किए हुए लेटर को के माध्यम से जो है वो बदलाव करवा सकते थे। अभी तक इजिली जो है वो बदलाव हो जाता था, किसी भी विधायक की बात की जाए, प्रधान की बात की जाए या फिर जो है PCS की बात की जाए, इन अधिकारियों से सर्टिफाइड लेटर से आप इनके माध्यम से चेंज करवा सकते थे। पर अब आप लोगों के लिए ये जरूरी खबर है, UIDAI ने नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। अब अगर आप आधार पे अपना नाम चेंज करवाते हैं या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाते हैं तो इसके लिए आपको स्कूल का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट जो है वो लगेगी, मार्कशीट के साथ आपको जो है वो डेट ऑफ बर्थ का ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो किस तरह से आप लोग इस खबर को देखते हैं, UIDAI के इस नए फैसले को देखते हैं, आप लोगों की राय जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस जरूरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोग इस जरूरी जानकारी तक पहुंच सके, इस जरूरी जानकारी जो है वो तमाम लोगों को पता चल सके और ये पता लग सके कि ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अब आपको चाहिए आपके आधार कार्ड पे करेक्शन करवाने के लिए। तो अगर अभी तक आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्द से जल्द ये बनवा लीजिए, क्योंकि अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना और भी आसान हो गया है जब से डिजिटल इंडिया बना है, ऑनलाइन मोड से सब कुछ किया जा रहा है, तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि UIDAI के इस नए नियम को किस तरह से आप देखते हैं, और आधार में बदलाव करवाने के लिए चाहे वो नाम का बदलाव हो, चाहे वो किसी भी चीज का बदलाव आपने करवाना हो, चाहे आपने उसमें अपना नाम बदलाव करवाना है, अपनी जन्म की तारीख बदलनी है या कुछ भी करना है, तो इसके लिए अब आपको सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी और मार्कशीट की भी जरूरत पड़ेगी। आगे के अपडेट्स के लिए आप लोग देखते हैं, कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।